हेलो गाइस, मैं टेक्निकल देव आपके लिए नई वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो घरों के अंदर आप कूलर यूज़ करते हैं, जिसके अंदर पंप होता है और मोटर होता है, और अगर आप उसकी वायरिंग करना चाहते हैं और वायरिंग आपसे नहीं हो रही, तो इस वीडियो को जरूर देखें। तो हम देखेंगे कि हमारे मोटर में ये चार तार हैं, ये दो रेड है और दो पीली है। तो सबसे पहले हम इसे चेक करेंगे कि हमारी ये ओके है कि नहीं है। तो हमारे पे ये सीरीज मीटर है और हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, रेड रेड को हम तार लगा रहे हैं, और हम देखेंगे कि यहाँ पे बल्ब जल चुका है, तो इसका मतलब हमारी वायरिंग सही है। अब हम पीली पीली को चेक करेंगे, पीली पीली को चेक करेंगे तो यहाँ पे बल्ब जल गई हमारी, समझ लो हमारी ये लाइन भी ओके है, हमारी ये वाइंडिंग ओके है, मोटर हमारा कोई फूका हुआ शॉर्ट नहीं है इसके अंदर। अब इसकी हम वायरिंग करेंगे, तो सबसे पहले हम एक लाल को और एक पीले को आपस में मिला देंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा जो दूसरे तार बचे हुए हैं पीला और लाल, इसमें हम कंडेंसर लगा देंगे। हमने पीला लगा लिया है और हम रेड लगा रहे हैं, और इस प्रकार से हम देखेंगे कि हमारी ये वायरिंग जो हो चुकी है कंडेंसर की, हमने लगा दिया है कंडेंसर लगा दिया, और हमने लाल लाल और पीला हमने कॉमन बना दिया, और एक रेड में और एक पीले में हमने कंडेंसर लगा दिया है, और 4 MFD का ये कंडेंसर है जो हमने लगा रखा है। अब इसको हम डायरेक्ट चला के देखेंगे कि एक बार ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और अब देखेंगे कि हमारा ये डायरेक्ट में चल रहा है। और ये बिल्कुल सीधा चल रहा है, अगर ये उल्टा चल, अगर ये कभी उल्टा चले तो आप यहाँ पे जो रेड तार लगे हुए हैं इसको आपस में चेंज कर देंगे तो ये सीधा चलने लग जाएगा। अगर ये आपको अगर उल्टा कभी चलता है तो ये चेंज करने का। अब मैं इसकी और भी वायरिंग बताऊंगा कि ये और इसको कैसे वायरिंग करते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास ये जो 3 रेगुलेटर है इसको हम कैसे इसकी वायरिंग करेंगे। आप पीछे देखेंगे तो इसमें कुछ सब कुछ खाली है, इसकी वायरिंग करके बताऊंगा। तो आप इसके पीछे देखेंगे कि ये इसमें 2 पॉइंट है, ये पंप का है, और इसमें भी 2 पॉइंट है, ये स्विमिंग का है, और इसमें हमारे 4 पॉइंट है, तो ये हमारा मोटर का है। तो हमारी ये 3 स्पीड मोटर है, और ये चाहे इस पर आप दो सिंगल स्पीड की भी कर सकते हैं। तो इसके हम देखेंगे कि इस पर L बना हुआ है, यहाँ पे भी L बना हुआ है, और यहाँ पे भी L बना हुआ है। तो हम इस तक जितने भी L के बने हुए हम इसको कॉमन बना देंगे, इस L से इस L में तार मिला देंगे, इस L से इस तार मिला देंगे। तो सबसे पहले आप देख लें कि ये रेगुलेटर हमारे 3 लगे हैं, ये सही है कि नहीं सही है। तो हम सबसे पहले हम सीरीज से अपना चेक करेंगे कि ये सही है कि नहीं है। तो हम इसमें देखेंगे कि ये चालू है, उसके बाद हम अपना मोटर का देखेंगे, मोटर को चेक, ये बंद हो रखा है पहले नंबर पे, दूसरे पॉइंट पे इस टाइम ये रेगुलेटर हमारा दूसरे पॉइंट पे है, ये भी हमारा सही है। उसके बाद हमारा स्विमिंग का बच रहा है, स्विमिंग में देखेंगे तो ये भी चालू है, ये हमारे तीनों सही हैं। ये जो L है, यहाँ L है, ये L है, और ये L है, तो हम L मतलब जो लाइट का मेन तार होता है और ये होता है, हम इस L को इस L से मिला देंगे और इस L को इस L से मिला देंगे, इस प्रकार से हम इसको कॉमन बना लेंगे। और इसके बाद हम यहाँ से एक लाइन नीचे निकाल लेंगे जो हमारी न्यूट्रल पे जाएगी, और हमने इस प्रकार से अपने रेगुलेटर में कनेक्शन कर दिया है। आप देखेंगे कि हमारे ये जो पीली तार है हमारी ये पंप की है, और जो हमारा ये हरा तार है ये हमारा कूलर का है, और जो हमारा ये रेड तार है ये हमारी स्विमिंग की है। और आप देखेंगे जो हमने पीले से ये जो एल 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 था, ये हमने भी तीनों लाइन मिलाई थी, इसी लाइन ये हमारी कॉमन है, इसको करंट देने के लिए हमने ये न्यूट्रल तार ब्लैक वाला लगा दिया है। और इस प्रकार से ये कनेक्शन अब आगे करके दिखाएंगे कि कैसे कैसे ये होगा। ये हमने तार को अंदर डाल दिया है सारा, जो भी हमारी 4 लाइन थी ये हमने सारा इसके अंदर डाल दिया है। अब हम नीचे से अंदर कैसे कनेक्शन करेंगे वो बताते हैं, और हम ये देखेंगे कि हमारी जो मेन लीड है इसके ये 2 तार आ रखे हैं बिजली के, न्यूट्रल और फेस। इसमें हम एक में जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, हमारा ये आपका मोटर का हमारा एक जो न्यूट्रल है, और जो हमारा स्विमिंग का न्यूट्रल है, ये 2 तार इसके आ रहे हैं, 2 तार इसके आ रहे हैं, और हमारा ये पंखे का 2 तार, ये एक यहाँ लगेगा और एक यहाँ लगेगा, 2 तार इसके हो गए, और 2 तार हमारा ये जो पंप है इसके 2 तार हो गए। इनको सब हम आपस में सबको एक एक करके मिला लेंगे। हम देखेंगे हम जितने भी हमारे 2 तार है सबको एक एक सबका एक एक तार आपस में मिला लेंगे। ये हमारा जो हमारा स्विमिंग का एक तार है, और हमारा देखेंगे लाल और पीला जो नीचे से मोटर से आ रहा है ये हमारा कॉमन था, और हमारा ये नीला और रेड है ये हमारा पंप का है। तो हम इसका एक तार इसमें लगा लेंगे, पहले मोटर वाले में लगा लेंगे, और
मोटर का और हमारा पंप का कॉमन बन गया है। अब इसके बाद हम इसमें अपना एक स्विमिंग का तार लगाएंगे, ये हमने स्विमिंग का लगा दिया है। अब उसके बाद हम इसमें हमारा तीनों चीज़, अब इसमें हम न्यूट्रल का तार हम इसमें लगाएंगे, इस कॉमन से हम इसमें हमने अलग से एक तार लिया है और इसी में हमने ये लगा दिया है। और जो हमारा ये मेन बिजली का तार है, इसको हम जो हमारी लीड आ रही है ऊपर, हम इसमें एक तार वहाँ उसमें लगा देंगे। ये हमारा जो न्यूट्रल आ गया, हमारा लीड पे जो हमारी मेन लीड आ रही है हमने उसमें लगा देंगे। और हमारा अभी आप देखेंगे कि हमारा जो बिजली का जो दूसरा है फेस है वो हमारा बचा हुआ है, तो इस फेस को जो हमने रेगुलेटर में से हमने ब्लैक तार निकाला था उसमें हम इसको लगा देंगे। जो ये हमने ब्लैक तार जो हमने रेगुलेटर से निकाला था, जो हमने एल एल को मिलाया था, हम इसमें ये लगा देंगे। ये हमने जो एल एल को मिलाया था हम इसको ये इसमें लीड दे देंगे। आप लोग देखेंगे कि हमारी जो ये तीन तार आ रही हैं रेगुलेटर से, हमारी जो हरी वाली तार है वो हमारी पंप की है, और जो हमारी रेड तार है हमारी स्विमिंग की है, और उसके बाद हम देखेंगे जो हमारी पीली तार है वो हमारे मोटर की है। तो हम इसका कनेक्शन करेंगे, हम इसका एक एक तार जो जो हमारी तार आ रही है हमारे रेगुलेटर पर लिखा हुआ है, हम उस प्रकार से इसको इसके एक एक तार पर जो हम हरी वाली तार है इसको हम लगाएंगे। ये हम अपने एक हमने इसको मोटर को कॉमन दे दिया है, जो हमारी दूसरी कॉमन थी हमने उसको दे दिया है। और हमारी जो दूसरी वाली कंडेंसर जिसमें पीला तार लगा है उसमें हम टेप लगा देंगे। उसके बाद हम देखेंगे हमारी दो लीड जो हमारे रेगुलेटर से आ रही है, दो लीड हमारी और बची हुई है, इस दोनों लीड को हम एक तार अपने स्विमिंग पे लगा देंगे। और जो हमारी दूसरी अब जो हमारी तीसरी तार बची है इसकी, वो हम इसमें जो इसमें पंप होता है पानी का उसमें हम लगा देंगे। इस प्रकार हमारा वायरिंग हो जाएगा। अब इसे हम चला के देखेंगे कि हमारा पंखा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप देखेंगे एक बार, मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ कि हमारा जो जो दो तार वहाँ लीड से निकला हुआ था, ये दो तार निकला हुआ था न्यूट्रल और फेस का, हमारा इसमें से जो एक तार होगा हमारा सब सारा एक जो पॉइंट निकल रहा है पंप का, मोटर का और स्विमिंग का, एक का हम एक कॉमन बनाया था हमने यहाँ पे, ये हमने कॉमन बना दिया था। जो हमारा ये पंप का एक आ रहा है और एक तार हमारा ये नीचे पंप आ रहा है, और हमारा जो ये मोटर का आ रहा तार, ये हमने यहाँ पे कॉमन बना दिया था। अब इस कॉमन में हमने एक लाइन डायरेक्ट दे दी है, जो हमने ये आप देखेंगे कि ब्लू कलर का तार है। और उसके बाद हमारा देखेंगे सबका हमने एक तार लगा के, और ये हमने एक तार हमारी जो लाइन जा रही है हमने ये एक केबल में लगा दिया है डायरेक्ट, जो जानी थी। और उसके बाद जो हमारा तीन तार जो आ रहे थे, हमने एक एक तार जो हमारा खाली बचा हुआ था, इसका पंप का एक तार खाली था, हमने उसमें रेगुलेटर में दे दिया। और हमारा जो दूसरा तार आ रहा था ब्लैक वाला तार आ रहा था, जो हमने एल एल से मिलाया था, हमने इसमें लाइन दे दी, और इसका एक एक तार हमारे रेगुलेटर से इसको फेस मिलेगा। तो इस प्रकार से हमारी वायरिंग है, इसे हम चला के देखेंगे कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये हम देखेंगे कि हमारा पंखा चल चुका है, और हम यहाँ रेगुलेटर को बंद करके देखेंगे। ये हमारा फैन बंद हो गया है, और हमारा इस टाइम पंप चल रहा है। पंप को हम देखेंगे यहाँ से बंद करके, ये पंप हमारा बंद हो गया है। आप देखेंगे कोई आवाज़ नहीं आ रही है। अब यहाँ से हम रेगुलेटर चालू करेंगे तो हमारी पंप चल गया है, फैन यहाँ से हम चलाएंगे, फैन चल गया है, और ये हमारा स्विमिंग का हो गया, स्विमिंग चल जाएगा यहाँ से। और हमारी जितनी भी ये हमारी वायरिंग कट है, हम इसको सब पे टेपिंग करके और इसे बढ़िया से फिनिशिंग कर देंगे, और हमारी वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो हम जरूर जल्दी मिलते हैं। तो हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करके सब्सक्राइब करके बताएं कि हमारी वीडियो कैसी थी।